तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड, जैसे आपको सभी को पता है कि कक्षा 10वीं और 12वीं मतलब 10वीं के बाद में 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अभी तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था जिसके अंदर किस प्रारूप से आपको पास करेंगे, किस क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो हो सकता है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो देने वाले थे। तो दोस्तों फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे मध्य प्रदेश ने बोर्ड ने जारी कर दिया गया है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर स्टार्ट कर देख सकते हैं, दिनांक 2 जून का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मतलब कि आज ही का है। ये आदेश यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने जारी किया है। इसमें क्या बताया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अभी तक जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे ये फेक न्यूज़ वगैरह है, तो आप यहाँ आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के आदेश दिनांक 14/5/2021 द्वारा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की गई थी। विषम परिस्थिति बने रहने के कारण हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाओं को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को मूल्यांकन समयबद्ध एवं सुपरिभाषित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इसे हेतु पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से संतुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकट काल की समाप्ति के उपरांत आयोजित परीक्षा के भाग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर मध्य प्रदेश बोर्ड ने आज ही के दिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है तो आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। और दोस्तों जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर आपको बता देंगे कि आपका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। सो दोस्तों मैं आपको अब यहां पे बताऊंगा कि मूल्यांकन किस प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों पहला है आपका बेंचमार्क सिस्टम 9वीं 10वीं और 11वीं। 9वीं 10वीं 11वीं का यहाँ पे बेंचमार्क सिस्टम बनाया जा सकता है कि 9वीं 10वीं 11वीं के हिसाब से आपके 12वें मार्क दिए जा सकते हैं। और दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा एंड दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा और उसके बाद में रिवीजन टेस्ट, इन दोनों को मिला के आपके यहाँ पे दोस्तों मार्क्स दिए जा सकते हैं। इन्हीं में से दोस्तों एक क्राइटेरिया आपका फॉलो होगा। तो दोस्तों आप टेंशन ना ले, और दोस्तों इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इन मिनिमम मार्क्स 33% मार्क्स, अगर कोई विद्यार्थी इन सब में फेल हो रहा है तब भी उसको दे के पास किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।